एवरीवन, आज की वीडियो में आई एम गोना डिस्कस अबाउट बेसिल रिफॉर्म्स। सो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बारे में जानने के लिए कैन चेक आउट द फुल वीडियो। सो बेसिल रिफॉर्म्स एक एफर्ट है ताकि सभी बैंक्स के जितने भी रूल्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर पाएँ। ऑल्सो बैंक्स के फाइनेंशियल सिस्टम पर फोकस करने के लिए, उनके रिस्क को ध्यान में रखने के लिए ये बेसिल रिफॉर्म्स बनाए गए हैं। और BCBS एक कमेटी है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था और ये 27 रिप्रेजेंटेटिव से बनी हुई है। बेसिल कमेटी के 3 गाइडलाइंस हैं जो हम Basel 1, Basel 2 और Basel 3 में पढ़ते हैं। बेसिल कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड और उसी के नाम पर इसको फॉर्म किया गया। सो लेट्स सी आगे, ये जो कमेटी है इसकी पहली मीटिंग की गई थी February 1975 में। एंड बेसिल नॉर्म्स का मेन गोल यही है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर कैपिटल प्रोवाइड कर पाएँ, देख पाएँ कि उनके पास प्रॉपर कैपिटल है या नहीं। उसके आगे बेसिल की गाइडलाइंस थ्री गाइडलाइंस हैं, Basel 1, आइए देखते हैं उसके बारे में। सो BCBS ने कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम को अनाउंस किया था Basel 1 में और उसको बेसिल कैपिटल अकॉर्ड कहते थे और ये 1988 में हुआ था। इसका मेन मोटिव यही था कि वो रिस्क को मेजर कर पाएँ, कैपिटल को मेजर कर पाएँ। और मिनिमम कैपिटल जो था कि रिस्क के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8% उसको सेट किया गया था। Basel 2 वॉज वेरी इजी। BCBS ने Basel 2 गाइडलाइंस June 2004 में लॉन्च की थी और ये 3 मेन पिलर्स पे सेटअप किया गया था। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी की, वही जो पीछे मैंने बताया 8% रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, सुपरवाइजरी रिव्यू होना चाहिए एंड मार्केट का डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। लेट्स सी Basel 3 जो कि 2010 में अनाउंस किया गया था। 2008 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, सो उनको रिकवर करने के लिए Basel 3 के गाइडलाइंस फॉर्म किए गए थे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग NPA मैनेजमेंट के नोट्स एंड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। सो I really hope it helps. Don't forget to subscribe. Bye-bye.